विभिन्न अध्यापक संगठनों से संबंधित जिला हमीरपुर के अध्यापक नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष यशवीर जम्बाल के नेतृत्व में जिला प्रशासन हमीरपुर व उच्च स्तर शिक्षा निदेशक हमीरपुर से क्वारंटाइन सेंटरों में अध्यापकों की ड्यूटी से संबंधित समस्याओं के बारे में मिला, जिसमें मुख्य रूप से महिला अध्यापकों की रात्रि के समय इन सेंटरों में ड्यूटी न लगाने, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में अध्यापकों की ड्यूटी उनके गृह पंचायतों में लगाने बारे, इस कार्य में तैनात अध्यापकों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिए जाने संबंधित मांगों को लेकर मिला। अध्यापक संगठनों का प्रतिनिधि मंडल की मांगों में उच्च स्तर शिक्षा निदेशक हमीरपुर बलवंत नड्डा ने यह स्पष्ट किया कि महिला अध्यापकों की ड्यूटी रात के समय नहीं लगेगी एवं पुरुष अध्यापकों की ड्यूटी भी इसी संदर्भ में सिर्फ स्थानीय पंचायतों में ही लगाई जाएगी, जिसके लिए आगामी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को भी आश्वस्त किया है कि आपदा की इस घड़ी में विभिन्न अध्यापक संगठन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को अध्यापकों की अन्य समस्याओं के संदर्भ में भी अवगत करवाया। अध्यापक संगठनों ने बताया कि इन क्वारंटाइन सेंटरों में विभिन्न अध्यापक बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के और बिना किसी सुरक्षा के संबंधित कोरोना मरीजों के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए अब इन अध्यापकों को भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा मिलना चाहिए। ज्वाइंट टीचर्स कॉन्फेडरेशन का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय अतिरिक्त उपायुक्त जिला हमीरपुर जी से उनके कार्यालय में मिला। COVID-19 की जो वैश्विक समस्या है, अध्यापकों की जो ड्यूटी है, जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर्स हैं तथा पंचायत लेवल पे या नगर परिषद में जो वार्ड्स हैं वहाँ पर होम क्वारंटीन जो लोग हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए लगी है। उसमें जो व्यवहारिक दिक्कत आ रही थी कि अध्यापकों का कार्यस्थल जो है उस कार्यस्थल और जो उनका घर है उसके बीच की जो दूरी थी उसके कारण अध्यापकों को आने जाने में और विशेष रूप से जो हमारी महिला अध्यापिकाएं हैं उन्हें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो प्रशासन को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया गया। दूसरी जो समस्या थी कि रात्रि के समय भी कुछ क्वारंटीन सेंटर्स में महिला शिक्षकों की जो ड्यूटी थी वो लगाई गई थी, तो रात को एक महिला के लिए किसी सुनसान जगह पर, क्योंकि विद्यालय अधिकांश हमारे जो आबादी क्षेत्र रहता है उसे दूर रहते हैं, तो ऐसे स्थान पर अकेली महिला शिक्षिका कैसे रात भर ड्यूटी देगी। तो प्रशासन ने हमारे इस जो प्रस्ताव था हमने कहा कि कम से कम रात्रि के समय महिला शिक्षिकाओं की ड्यूटी इन केंद्रों पर न लगे तथा शिक्षकों की जो ड्यूटी है उनकी जो गृह पंचायत है जहां वो रहते हैं या जिस वार्ड में नगर परिषद में वो रहते हैं उसी वार्ड में लगाई जाए तथा इसके लिए जो पंचायत स्तर पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनी है जिसमें ग्राम पंचायत प्रधान हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं, आशा वर्कर्स हैं, तो उनका सहयोग लेते हुए उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए जो नोडल ऑफिसर्स हैं हमारे विद्यालयों के जो प्रभारी हैं वो तालमेल बिठाएं और किसी को असुविधा भी ना हो तथा यह कार्य जो एक वैश्विक संकट आज खड़ा हुआ है सबके सामने यह कार्य भी सुचारू रूप से संपन्न हो सके। एक हमने और भी प्रस्ताव माननीय अतिरिक्त जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भेजा है कि कोविड-19 के दौरान
जो हमारे चिकित्सा से जुड़े कर्मचारी हैं, सुरक्षा से जुड़े पुलिस कर्मचारी हैं, उन्हें तो कोरोना वॉरियर्स सरकार ने घोषित कर दिया है। अन्य विभागों के कर्मचारी भी जो कोविड-19 के इस संकट के दौरान अपने कार्यभार का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और संभावित जो कोरोना के जो मरीज हैं उनके साथ वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो उन कर्मचारियों को भी कोरोना वॉरियर जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार घोषित करे, ऐसा हम विनम्र आग्रह करते हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में शिक्षक महासंघ के वरिष्ठ प्रांत उपाध्यक्ष जगवीर चंदेल, पदोन्नत स्कूल प्रवक्ता संघ के जिला प्रधान केवल ठाकुर, HGTU के जिला प्रधान संजीव ठाकुर, महासचिव राजकुमार एवं अजय शर्मा भी शामिल रहे।